अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एशियन कुज़ीन में डिज़ी फ़िश टिक्का मसाला फ़्राई की रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके के साथ ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, फ़िश टिक्का मसाला फ़्राई। ये देखिए नाज़रीन, किस कदर सॉफ्ट और क्रिस्पी फ़िश है। इसमें एक बात आप नोट कीजिए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। फ्राई करते दौरान फ़िश में अक्सर औकात काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ऑयल में छींटे पड़ सकते हैं। ये देखिए, तो चंद टिप्स की बातें हैं जो वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करूंगी, तो उन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो बिल्कुल इसी तरह किस्म की ही फिश आप भी कुक कर सकेंगे, और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सॉस तैयार करूंगी, खट्टी मीठी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो फ़िश ली है। ये देखें इस तरह से, इसके अंदर मैं छुरी के साथ कट लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने आपने। ये देखिए, फिश को मैंने अच्छे से धो के 2-4 घंटे के लिए चने में डाल के रख दिया था। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने देसी लहसुन के जगह इस्तेमाल कर रही हूँ 15 से 20 अदद। 1 चाय के चम्मच नमक के साथ मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए, एक बार फिर तरीका देखिए कट लगाने का। फ़िश बहुत ज़्यादा ठंडी थी, 4-5 घंटे के लिए मैंने इसको धो के फ्रिज में रख दिया था। अच्छे से इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन 2 चाय के चम्मच लहसुन की पेस्ट है, इसको उसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लेमन जूस, लेमन लिए थे उनका जूस निकाल लिया, ये लगाएंगे इसको। आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन 1/2 टीस्पून या उससे भी कम ही आप डालिएगा। अच्छे तरीके से फिश के तमाम पीसेस पे इसको लगाइए। ये देखिए, मैंने एक प्लेट में इस तरीके के साथ इसको मैनेज किया है कि बाउल छोटा है। अच्छे तरीके से इसको लगा लिया है। अब इसको साइड पे कर देते हैं और हम दूसरी तरफ टिक्का मसाला तैयार कर लेते हैं। जी नाज़रीन, टिक्का मसाला के लिए यहाँ पर मैंने लिया है साबुत सूखा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला किसी अच्छे ब्रांड का 1 खाने का चम्मच। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और ब्लेंडर में डालकर इसकी पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं इसको। ये देखिए, अब इसको फिश के ऊपर लगाते हैं। फिश के ऊपर लगाने से पहले मैं इस मसाले के अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच बेसन शामिल कर रही हूँ और 1/2 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। बहुत ज़बरदस्त ये मसाला तैयार हुआ है। फिश के लिए ज़बरदस्त कोटिंग है। लगाने का तरीका देखें, साइड पे मैंने प्लेट रख ली है। एक एक फिश के पीस को मैं पकड़ूंगी और उसके तमाम अतराफ पे अच्छे से ये फिश मसाला कोट कर दूंगी। देखिए कुछ इस तरीके के साथ। तमाम अतराफ पे अच्छी तरह से इसका मसाला जाना चाहिए। मैं हाथों का इस्तेमाल करते हुए ताकि इसके कट्स के अंदर भी मसाला चला जाए लगाऊंगी। नाज़रीन, हमने फिश की टेस्ट के साथ साथ इसकी खूबसूरती का भी ध्यान रखेंगे, तो कट्स मैंने इसलिए लगाए कि फ़िश में एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मसाला अंदर तक जज्ब होना चाहिए फ़िश के अंदर। अक्सर औकात हम देखते हैं कि मसाले की कोटिंग सिर्फ ऊपरी सतह पर होती है, अंदर से फ़िश उतनी ज़्यादा मसाला नहीं गया होता। कट से ये फ़ायदा होगा कि फ़िश के अंदर तक स्पाइसेस चले जाएंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके के साथ आपने मसाले की कोटिंग करनी है।
और नाज़रीन एक बात आप नोट कीजिए कि मैंने तमाम पीसेस को मसाला लगाया, ये देखिए किस कदर ड्राई है बाउल, बिल्कुल उसमें पानी नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैंने जब फ़िश को धोया था तो उसको छलनी में डाल के तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके नीचे प्लेट रख दी थी, सारा पानी प्लेट में आ जाता है। तो ये टिप्स की बातें हैं, आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, जिससे आपको फ़िश को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, बहुत ज़बरदस्त फ़िश फ्राई होगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मसाला लगा दिया है और मसाला लगाने के दौरान ही मुझे इसका फ़ोटोशूट भी करना होता है, तो मत घबराइएगा थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाए। ये देखिए हर तरफ से मुझे वीडियो को कवर करना होता है। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आपसे चंद एक मसाइल का भी जिक्र करूँगी कि जब मैं इसकी प्रेजेंटेशन करती हूँ तो मैं किन किन बातों से दोचार होती हूँ, ख़ास तौर पर इसकी फ़िश सॉस के दौरान जो जो मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा डिश आउट करते हुए। जी नाज़रीन देखें, बेहतरीन मसाला लग चुका है, 4 से 5 घंटे के लिए मसाला लग रहने दें। तो हम इधर सॉस तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए नाज़रीन यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप खुबानी ली है, उसको मैंने पानी में 4 से 5 घंटे भिगो दिया था। 1 कप पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हल्की आंच पे हम इसको कुक करेंगे। ये देखें पानी में भिगो के रखने से किस कदर खुबानी सॉफ्ट हो गई है। जी नाज़रीन हाफ चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 3 खाने के चम्मच भर भर के चीनी शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कवर कर दें इसको 4 से 5 मिनट के लिए। जी नाज़रीन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। जी नाज़रीन फिर मैं इसको कवर कर रही हूँ, थोड़ा सा और पकने देंगे इसको, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं इसको। ये देखें किस कदर खुबानी फूल चुकी है, अच्छे से कुक हो रही है ये। यहाँ पर मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। ये इमली मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच ली थी और इसको 1 कप पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छे से इसको मिक्स करें। यहाँ पर मैं चखूँगी, मुझे चीनी कम लगी तो 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें और चीनी शामिल कर दी है। अब इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छे से पक जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से खुबानी जो है वो गल चुकी है। जी नाज़रीन अब मैं चूल्हे की आंच में बंद कर दूंगी और हल्का सा इसको ठंडा करेंगे। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 4 खाने का चम्मच पुदीने के पत्ते और 2 अदद हरी मिर्चें। बहुत ज़्यादा अभी आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, दरदरा सा रखना है आपने इसको। ये देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी, अब ये बहुत गर्म है, ठंडा होने पर ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने उंगलियों को एकदम से नहीं डाल देना, वरना बहुत ज़्यादा ये नीचे बैठ जाएंगी। अब मैं हाथ के ज़रिए उंगलियों को चटनी में शामिल कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं पुदीने के पत्ते खड़े करने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छे और मासूम लीफ थे जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया, लेकिन एक पत्ते ने बहुत तंग किया मुझे, उसकी स्टोरी आपके सामने ही आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए दाएं हाथ वाला लीफ थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको अब मैं ठीक करूँगी। नाज़रीन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इस 10 मिनट की वीडियो के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ये देखिए वो बेचारा सेट नहीं हो पा रहा। अब देखिए मैं इसको किस तरह स्टैंड करूँगी। अब उसके मूड के मुताबिक ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा मासूम लीफ है ये।
वेल डन, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इसकी भी, किसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। और ये देखिए, अब मैं इसका फ़ोटोशूट करूँगी। माशाल्लाह, जज़ाकल्ला। और दूसरी तरफ मैंने पैन गर्म होने के लिए ऑयल डाल दिया इसमें, और फ़िश को तकरीबन 4 से 5 घंटे आप ज़रूर मैरिनेट करें और फिर ही फ्राई कीजिए। तो मुझे यहाँ पर जल्दी है तो मैं अभी से करूँगी। ये देखिए, आपको मैं बाउल दिखा रही हूँ कि इसके नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखिए, हालांकि इसमें हमने नमक भी डाल दिया है, लेमन जूस भी डाला था, इसके बावजूद इसने कोई पानी नहीं छोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। और मसाले की कोटिंग देखिए, किस कदर ज़बरदस्त कोटिंग इसके साथ चिपकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ आपने इसको डालना है। ऑयल बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा भी पीसेज आप पैन में मत डालिए। पैन में डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बहुत ज़्यादा भी आपने फिश को बार बार टर्न नहीं करना। अब इसको फिर पकने दें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हल्का सा इसको दबाएं ताकि इसके अंदर अगर कोई पानी वगैरह है तो वो निकल जाए। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त फिश फ्राई हुई है। माशाल्लाह, फिश फ्राई करने का टोटल टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट है दोनों साइडों से। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये फिश फ्राई हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी एंड यम्मी। अच्छे से इसका ऑयल फ्री कर लें इसको। अब ये देखें, इसके जो कट्स हैं यही इसकी खूबसूरती है, उसको भी परमानेंट करते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा नाज़रीन। और बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं। इसी तरह वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और दुआओं में याद रखिए। माशाल्लाह, ज़रूर बनाइएगा। और अपनी इस रेसिपी को जब आप बनाएं तो इसकी पिक जो है मेरे यूट्यूब और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। जी, ज़बरदस्त मरहला आ चुका है। मैं आपको इसके अंदर की सूरत हाल की बताती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह, जज़ाकल्ला, किस कदर ज़बरदस्त ये फ़िश कुक हुई है। बिल्कुल ये ड्राई है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है। मुझे तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आप वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वीडियो को एंड तक भी देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये ख़ास तौर पे मैं उन मेरे व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी फिश टिक्का के लिए। और ये देख, यकीन जानिए कि ये उस पिक से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। और ये किस कदर मज़ेदार बनी है, ये मैं आपको, ये देखें किस कदर ये ड्राई है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। ज़रूर इसी तरीके के साथ ही बनाइएगा। टिप्स की बातों को मद्देनज़र रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े मज़े के पकवान पकाते रहिए। जज़ाकल्लाह।